हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आए साइट पर और यहाँ पर स्लैब कास्ट होगा कल, तो उससे पहले हम सरियों को चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे तो काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, तो इसको ईजी लैंग्वेज में आप तक सर्व करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और आप भी अगर अपने घरों में अगर आप स्लैब कास्ट करवा रहे हैं तो आप खुद जो है आइडेंटिफाई कैसे कर सके कि आपका सरिया को जो है वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा व्यू है, ये स्टेयर्स के ऊपर सरिया बंद रखा है और ये पूरा एक तरह से पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है सरिया बंद लेगा। अब इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें इस लैब में जो सरिया का यूज़ किया गया वो 10 mm का सरिया का यूज़ किया गया है और जो बीम्स में यूज़ किया गया वो 16 mm का जो है टॉप पे और बॉटम पे दोनों जगह 16 mm का ही यूज़ करा गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हजमी बीम। जब इसके ऊपर स्लैब कास्ट होगा तो ये पूरा जो बीम है ये कंसील्ड हो जाएगा, मतलब ये जो है हजम हो जाएगा इसी में, तो इसलिए इसका नाम जो हजमी बीम है। फिर दोस्तों बात करते हैं क्रैंक्स के बारे में। दोस्तों ये जो फोटो में आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं क्रैंक्स और ये L/3 पर दे रखी है। और इसमें जो सरिया यूज़ किया गया वो 10 mm का ही यूज़ किया गया है और ये बेसिकली इसलिए प्रोवाइड करी जाती है ताकि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो दोस्तों इसी को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रैंक्स को प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों सरिये के नीचे आपको जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे कंक्रीट के ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं इसको बेसिकली कंक्रीट कवर ब्लॉक्स बोलते हैं। और इनका यूज़ क्या होता है, इनको कि इनका अगर यूज़ ना करें तो किन किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, तो इसके ऊपर ही मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ का और नोटिस करिए, देखिए जो सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए हमने कॉलम्स निकाले हुए हैं वो लगभग जो है वो 3 feet जो है मिनिमम उसको छोड़ रखा है, क्योंकि जब उसके ऊपर ओवरलैपिंग होगी तो उसमें प्रॉब्लम ना है। और अब बाई चांस अगर 3 feet या फिर इससे कम अगर छूटता है या फिर बहुत कम 1 feet या 1.5 feet इतना छूटता है आपका कॉलम का दूसरे कॉलम पर जाने के लिए, तो उस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप वेल्डिंग का यूज़ करके आप उस कॉलम को दूसरे कॉलम से अटैच करके फिर आप उसको उसमें फिक्स करके आगे हम बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें फ़ैन बॉक्स और जो पाइपिंग है उसको बिछाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वायर खींचने के लिए बाद में। और दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना, अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं, आप पॉइंट आप अपनी मर्जी से जब मर्जी दे सकते हैं बस पाइप पे छोड़ करके। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे तो आपको एग्जैक्टली सारे पॉइंट जो है वहाँ पर देने हैं, चाहे वो बिजली का पॉइंट हो या फिर फ़ैन के लिए पॉइंट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले ही मैनेज करके चलनी है। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो इसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों फोटो में आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली OTS का एरिया है और बीच में जो आप देख रहे हैं एक लकड़ी का जो फट्टा सा लगा रखा है, यहाँ पे शटरिंग नहीं हो रखी है क्योंकि ये स्पेस जो है वो पूरा ऊपर तक जो है वो ओपन जाए। फिर दोस्तों ये जो घर है डुप्लेक्स स्टाइल में बन रहा है, तो बीच में कटिंग के लिए हमने जो स्पेस छोड़ा हुआ है इतना जो एरिया है वो बिल्कुल ऊपर तक जो है वो कटिंग रहेगी और इसके ऊपर जो स्लैब कास्ट होगा वो पूरा कास्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्लैब का जो जाल बंधा गया है इसकी स्पेसिंग कितनी है सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर जो इसकी स्पेसिंग है वो है 6 inch की इसकी स्पेसिंग है और जो कॉलम्स में जो रिंग बनेंगे वो भी 8 mm के हैं। और इसमें जिस ग्रेड की कंक्रीट का यूज़ किया जाएगा वो है M20। M20 का बेसिकली जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:1.5:3। दोस्तों ये देख सकते हैं ये संकीन स्लैब है, यहाँ पे टॉयलेट बनेगा तो एरिया को थोड़ा सा डाउन किया गया है यहाँ पर ताकि जो पाइपिंग वगैरह है वो आपके जो फ्लोर का एरिया उससे ऊपर ना जाए। तो ये सिमिलरली वही OTS का एरिया आ गया जो कि कटआउट होगा और जो दूसरी साइड देख रहे हैं वो भी टॉयलेट का संकीर्ण एरिया है। तो दोस्तों इस तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, लेकिन उसको इजी लैंग्वेज में जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, आपके शेयर कर दी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।